जब शशि कपूर को 2011 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के लिए नामांकित किया गया था, तो उनके चचेरे भाई ऋषि कपूर ने मुझसे कहा था कि उन्हें भी सूची में शम्मी कपूर का नाम देखकर खुशी होगी। मेरे चाचा शम्मी और शशि कपूर दोनों को सम्मान प्राप्त करते हुए देखकर मुझे और भी खुशी होती। भारतीय सिनेमा में शम्मी कपूर के योगदान को निश्चित रूप से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ऋषि ने मुझे बताया। शशि और शम्मी दोनों अपने समय के महान मनोरंजनकर्ता थे और स्क्रीन पर उनकी अपनी अनूठी शैली थी, लेकिन ऋषि अपने परिवार को मान्यता प्राप्त देखकर खुश थे। भगवान का शुक्र है सरकार कपूरों को पहचाना है। मानो या न मानो, पिछले दशकों में किसी भी कपूर को राष्ट्रीय या सरकारी स्तर पर ऐसा पुरस्कार नहीं मिला है, उन्होंने कहा। ऋषि के दादा महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर को 1969 की शुरुआत में पद्म भूषण मिला था, जिसे उनके पिता राज कपूर को 1971 में सम्मान मिला। तब से यह पहली बार है जब सरकार ने मनोरंजन उद्योग में कपूर परिवार की उपस्थिति पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या फीलिंग है, सभी बुजुर्ग कपूर, मेरे दादा पृथ्वीराज, मेरे पिता राज और अब शशि कपूर पद्म भूषण है, ऋषि ने कहा।